दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का मैहर पवित्र धाम, पवित्र नगरी शारदा माता जी सहमत नहीं उठाई कि इस बछड़े को, जिसे हम जो है सनातन और पुरातन में इसे गौ माता करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से जो है गाय मवेशियों को जो है खुले में मालिकाना हक रखने वालों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, बेतरतीब तरीके से लापरवाही करते हुए उन पर शिकंजा कसा जाए और एक तगड़ा नियम कानून बनाया जा करके उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान किया जाए। कि अभी मैं 15-20 मिनट पहले मैं स्वयं श्यामदास मानिकपुरी जो है SDM मैहर को मैंने जो है फोन किया था और उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं तत्काल जो है बिल्कुल उस बछड़े को जो है यहाँ से जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का मैहर पवित्र धाम, पवित्र नगरी शारदा माता जी जहाँ विराजमान है, ये तस्वीर जो है शारदा माता जी का धाम के पास का है। और जानकारी के लिए आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पास में ही जो है यात्री निवास है और इसे जो है गेट नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। ये सड़क है शारदा माता धाम, शारदा माता मंदिर की ओर जाने का। और आपको एक दिल दहलाने वाली तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि डिवाइडर के जस्ट बगल में एक काले कलर का जो है एक बछड़ा जो है लगभग जो है, मुझे सूत्रों से जो जानकारी है कि रात में किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से जो है ये घायल अवस्था में जो है पड़ा हुआ है। और अब आप एक चीज़ ये देखिए, और वो एक चीज़ और अभी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये बछड़े को आप देखिए जिस साथ पड़ा है इसने, ये गोबर वगैरह टॉयलेट बाथरूम भी यहीं पर कर डाला। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस दर्द से कितना कराहता बिलखता हुआ रात से यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अभी टाइमिंग भाई साहब आपको हम बताना चाहते हैं, आज 11 तारीख है, लगभग 2:30 का टाइमिंग हुआ है, 12 घंटे से ऊपर जो है ये विदारत घटना हो चुकी है। और ये तस्वीर आप देखिए, लगातार इस रास्ते से जो है हजारों की संख्या में जो है एक निम्न तबके से लेकर के हाई प्रोफाइल तक के लोगों का आवागमन होता है। और ये डिवाइडर के बगल में आप देखिए लाइन से जो है सैकड़ों दुकानें यहाँ लगी है। यदि फूल माला की बात करें, प्रसाद की बात करें, होटलों की बात करें, तमाम यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लेकिन किसी ने अभी तक जहमत नहीं उठाई कि इस बछड़े को, जिसे हम जो है सनातन और पुरातन में इसे गौ माता का दर्जा देते हैं, लक्ष्मी माता का दर्जा देते हैं, लेकिन धन्य है कि माता शारदा के दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन इस सड़क से हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये भी जो है लक्ष्मी माता गौ माता है, इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं श्यामदास मानिकपुरी, APR न्यूज संपादक शहडोल, मैं अपने निजी काम से जो है यहाँ मैहर आया हुआ था। इस बहाने मैंने सोचा कि माता रानी का दर्शन कर लूँ, और जब मैंने ये स्थिति देखी तो मैंने यहाँ के SDM साहब को जो है लगभग अभी 15-20 मिनट पहले फ़ोन किया और उन्होंने तत्काल जो है, ये आप देखिए यहाँ पे जो है मंदिर समिति के यहाँ पे जो है सदस्यगण हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। और देखिए बछड़े को जो है अब यहाँ पर उठाते हुए जो है गाड़ी में जो है उन्हें जो है लोड किया जाएगा। ये बहरहाल ये तो खुशी की बात है कम से कम कि अभी जो है बछड़ा जो है जीवित है। और हम जो है उन माता रानी शारदा मैया से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है इस बछड़े की जिंदगी और जान जो है बचाई जा सके। बहरहाल मैं बारंबार जो है मध्य प्रदेश शासन से और जो है मैहर जिला प्रशासन से जो है ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से जो है गाय मवेशियों को जो है खुले में मालिकाना हक रखने वालों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, बेतरतीब तरीके से लापरवाही करते हुए उन पर शिकंजा कसा जाए और एक तगड़ा नियम कानून बनाया जा करके उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान किया जाए, ताकि जो है जीव जंतु जानवर मवेशियों को जो है किसी प्रकार से दिक्कत ना हो और इस जो है अचानक घटना दुर्घटना में जो है लोगों को भी जो है काफ़ी जो है चोटें आ जाती हैं, तो दोनों जो है सुरक्षित रह सकें। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि ऐसी जो है नियम कानून पुख्ता बनाए जाए। हम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? लल्लू कुमार। कहाँ, मैहर से ही हैं? आपको कैसे जानकारी लगी कि यहाँ पर गाय जो है पड़ी हुई घायल अवस्था में? हम लोग को प्रभारी लगाया कि फोन को मंदिर समिति के प्रभारी जी ने लगाया था फोन। क्या नाम है प्रभारी जी का? शैलेन सिंह। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं 15-20 मिनट पहले मैं स्वयं श्यामदास मानिकपुरी जो है SDM मैहर को मैंने जो है फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं तत्काल जो है बिल्कुल उस बछड़े को जो है यहाँ से जो है गाड़ी में जो है लोड करवा कर जो है गौशाला में जो है इलाज की व्यवस्था कराता हूँ। बहरहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ SDM साहब आपको, तहे दिल से सैल्यूट, सादर सादर धन्यवाद, सादर सादर साधुवाद।
बहरहाल मैं पुनः जो है फिर से आपसे निवेदन विनती प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके से जो है अपने गाय मवेशियों को बछड़ों को जो मालिकाना रखने वाले जो है छोड़ देते हैं, कृपया ऐसी जो है निंदनीय कृत्य ना करें। बहरहाल ये जो है मध्य प्रदेश का मैहर यात्री निवास गेट नंबर 2 माँ शारदा धाम से APR न्यूज़ के लिए मैं श्याम दास मानिकपुरी पुनः की तरफ सभी को जय हिंद जय भारत।